धन्यवाद हो रहा है, तो उसके लिए सॉरी, क्योंकि थोड़ा प्रॉब्लम आ गई थी इसलिए वीडियो रिपर एकेडमी पर बंद करना पड़ा। तो अब आपको रेगुलर वीडियो देखने को मिलेंगी, ठीक है। इस पर मैथ मॉक टेस्ट हमने डाला था, उसमें क्वांटिटी टैप पे तो आप लोगों का 90% आया, तो आप मॉक टेस्ट आपका चालू करेंगे। अब देखिए, आप वीडियो क्यों नहीं डाल पाए, तो आप रेगुलर रहिएगा, आपको पता लग जाएगा वीडियो रिपर अकेडमी पर क्यों नहीं आ पाए, ठीक है। तो ज़्यादा टाइम नहीं बर्बाद करते हैं और अपने मॉक टेस्ट को शुरू करते हैं। तो सबसे पहला क्वेश्चन ये देखिए, और एक चीज और बता दें, ये क्वेश्चन ऐसे क्वेश्चन होंगे जो प्रीवियस ईयर में पूछे गए हैं, या आपको सेम टू सेम ऐसे सरल वाले क्वेश्चन आप लगा लेते हैं, लेकिन जो इसकी सेम टू सेम थोड़े डिफिकल्ट होते हैं वो एग्जामिनर पूछा, फिर देखते हो कि यार ये तुमने लगाया था ऐसे ही था लेकिन ये अलग है, तो वो चीज। और जैसे ये क्वेश्चन इससे एक रिलेट करता है, ऐसे क्वेश्चन आपको बहुत देखने को मिलेंगे, क्योंकि हम आपको एक बेसिक चीजें सिखाना चाहते हैं, और जिसको भी मैथ अच्छे से नहीं आती या बेसिक कमजोर है, तो आप ये मॉक टेस्ट लगाते हैं तो आपके अच्छे नंबर आना स्टार्ट हो जाएंगे, ठीक है। तो पहला क्वेश्चन शुरू करते हैं। 5,000 पर 2 वर्ष का चक्रवृद्धि ब्याज और साधारण ब्याज का अंतर 32 रुपए है, तो ब्याज की दर कितनी होगी। तो ये देखिए, इसके लिए सिंपल सा फार्मूला होता है, सी आई माइनस एस आई बराबर, ठीक है, पी आर का वर्ग अपॉन 10,000, इस तरीके से रहता है, नहीं तो आप कोष्टक में करके भी लिख सकते हैं। जैसे ही देखिए आपको बताते हैं, और भाई चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब कर लीजिएगा, ठीक है। देखिए इसका क्या सूत्र होता है, सी आई माइनस एस आई बराबर पी गुणन कोष्टक आर अपॉन 100 का होल वर्ग, ठीक है, यही तो होता है, तो इससे आप लगा सकते हैं। तो ठीक इसी तरीके से जब 3 वर्ष का पूछा जाता है, इसलिए ये क्वेश्चन को लिया, क्योंकि ये भी क्वेश्चन हो जाएगा, जो मेन क्वेश्चन पूछा जाता है वो चीज हम आपको बताना चाहते हैं। तो सी आई माइनस एस आई मुझे कितना दिया गया है, 32 दिया गया है, ये तो नॉर्मल क्वेश्चन है, हर कोई लगा लेगा। तो ये मेरे 5,000 गुणन आर मुझसे पूछा गया, तो आर का वर्ग कर देंगे, नीचे मेरे 10,000 आ जाएंगे, ठीक है। तो ये 10,000 आ गए, 3 जीरो से, ये 3 जीरो, एक जीरो और आए क्योंकि 10,000 है ना, तो 3 जीरो से ये 3 जीरो, 5 दूनी 10, यानी 2 बचे, और ये 2 सीधे कहाँ चले जाएंगे, इसके 32 दूनी 64 हो जाते हैं, तो 64 आर स्क्वायर हो जाएगा, और आर ये कितने का वर्ग है, 8 का, तो आर मेरा कितना आ गया, 8%, तो आपका ऑप्शन कहाँ है, ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, 8%, ठीक है। तो आपको ये क्वेश्चन समझ में आ गया होगा, और इसकी पीडीएफ चाहिए तो आप इसी तरीके से होगा, तो आप इस क्वेश्चन को एक बार देख लें। फिर सबसे पहले होता है क्वेश्चन को पढ़ना, ठीक है। तो किसी धन को 3 वर्ष में चक्रवृद्धि ब्याज साधारण ब्याज के 31 रुपए का अंतर है, यदि ब्याज की वार्षिक दर 10% हो तो धन ज्ञात कीजिए। तो इसके लिए 3 वर्ष के लिए इसका सूत्र होता है, आपको हमने बताया, लेकिन अभी आपको इसकी ट्रिक भी बताएंगे। तो सबसे पहले ये सूत्र से देख लें, आप सूत्र लिखना चाहें तो लिख सकते हैं। तो इसका नॉर्मल सा सूत्र होता है, सी आई माइनस एस आई बराबर पी गुणन कोष्टक आर अपॉन, ये तो जो 2 वर्ष के लिए रहता सेम वही रहता, लेकिन इसके आगे जुड़ जाता आर प्लस 300 अपॉन 100, तो ये और जुड़ जाता, तो सी आई माइनस एस आई मुझे 31 दिया गया है, ठीक है, और पी मुझसे पूछा गया है, तो पी को हम ऐसे ही रखते हैं, आर मुझे 10% दिया, तो ये मेरा वर्ग होकर 100 हो जाएगा, और नीचे मेरे कितने हो जाएंगे, 10,000, ठीक है, गुणे आर मुझे कितना, 10 यानी 31, 331 अपॉन, और 31 आर मुझे ये दी गई है, तो ये मेरे 31 हुई, सॉरी इधर नहीं, इधर आएगा मेरा क्या, इसको इरेज करते हैं, ये आपका क्योंकि इसमें ऐड होंगे तो आपका 310 आएगा, और नीचे मेरे कितने आ जाएंगे, 100, देखिए जो कटते हो उन्हें काट दो, ये 2 जीरो से ये 2 जीरो मेरे कैंसिल, 1 जीरो से ये 0 कैंसिल, अब मेरे पास यहाँ 1,000 बचे, 31 से डायरेक्ट 31 काट दिया, तो ये 100 और 10 ये ऊपर आ जाएंगे, तो मेरा कितना हो जाएगा, 1,000, पी बराबर 1,000। अब इसकी शॉर्ट ट्रिक की बात करते हैं, ठीक है। शॉर्ट ट्रिक में आपको ये, आपने परसेंटेज में सी आई एस आई पढ़ा होगा तो आपको ये समझ में आ जाएगा, ठीक है, ये ऑप्शन से किया जाएगा, ऑप्शन से कैसे करना है, जैसे पहला ऑप्शन ये 10,000 है, ये चीज हम आपको समझाना चाहिए, जैसे 10,000 है, आपको सबसे पहले कोई ऑप्शन उठा के लेना है, कोई भी आप उठाओ, जैसे इसका ये उत्तर आ गया तो ये उठा लिया, इसका 10% निकालो, ठीक है, तो इसका 10% निकालेंगे तो कितना बनेगा, 100 रुपये बनेगा। अब ये 10% को ये खत्म किया, परसेंटेज जब खत्म होते हैं नीचे 100 चले जाते हैं, ये चीज आप ध्यान रखें, तो इस तरीके से किया तो कितने बचे, 100 रुपये बचे। अब ये 3 वर्ष के लिए देना, तो फिर 3 वर्ष के लिए ये हमने दे दिया,
ये चीज आपको समझ में आई। आप 100 रुपये का भी 10% निकले क्योंकि चक्रवृद्धि ब्याज है, तो ये 1-0 से, यानी ये मेरे कितने यहाँ इसको मिलेंगे, 100 का 10 मिलेगा, फिर इधर 100 के 10 रुपये मिलेंगे, ये एक वर्ष के लिए, दूसरे वर्ष क्योंकि चक्रवृद्धि में ब्याज का ब्याज मिलता है। अब 10 रुपये का भी 10% निकालो तो 1/1 यानी 1 आया। अब देखिए ये मेरा इतना होता, आप ध्यान रखना ये मेरी इतनी चीज होती है CI माइनस SI, ये बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, इससे आपकी टाइमिंग बहुत बचेगी। ठीक है, तो यही चीज देखो ये मेरे कितने हो रहे हैं, टोटल 31 हो रहे हैं, और ऑप्शन यहाँ देखो 31 आ रहे हैं, यानी मेरा यही वाला ऑप्शन सही हो जाए। तो ये चीज आपको ऐसे चेक करानी जब आपको सूत्र याद नहीं है, तो वरना आप यही लगा सकते हैं। ठीक है, चलिए क्वेश्चन नंबर अगला देखते हैं, और उससे पहले चैनल को भाई सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब कर लेना, अब आपको इसी तरीके के क्वेश्चन देखने को मिलेंगे। देखिए ये नंबर क्वेश्चन नंबर 3 देखते हैं, 6 अंकों को 4x 5 7 3 y संख्या को 72 से विभाज है तो x प्लस वाई का मान ज्ञात कीजिए। ये बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, SSC में ज्यादातर पूछते हैं, लेकिन उसमें आपको हर टाइप के क्वेश्चन आना चाहिए जब आप मॉक टेस्ट लगा रहे हैं। तो सबसे पहले आपको 72 को ऐसे देखो, ये कितने के 2 डिवाइडेड है, तो 8 9 72, तो ध्यान रखना पहले छोटा रखो और पीछे बड़ा। ठीक है, तो ये चीज आप ध्यान रखिएगा, और इसके लिए आपका रूल याद होना चाहिए, डिवाइड रूल। 9 का डिवाइड रूल क्या कहता है, सब अंकों को जोड़ के देखिए, जो कट जाए वो काट देना, और 8 का डिवाइड रूल लास्ट के 3 डिजिट, 4 का 2 डिजिट, तो यही चीज इसमें फॉलो होगी, 4x 5 7 3 y। तो सबसे पहले हम इतने का 8 का भाग देके y का मान निकालेंगे, तो ये मेरे 73 y हो गया, और 8 से भाग दे रहे हैं, तो ये चीज आपको हम समझाना चाहते हैं। एक बार ये क्वेश्चन समझ में आ गया तो ऐसे क्वेश्चन आप और लगा सकते हैं, 2 8 64 8 9 72, तो उससे हमें मतलब नहीं, इधर क्या आते हैं, इधर से मतलब है, तो यहाँ 1 आ गया। अब यहाँ आप बताओ वाई का मान यहाँ कितने रखें जो 8 से कट जाए, तो आप डायरेक्ट बोलोगे 16, 8 2 16, यानी वाई का मान हमने कितना रखा, 6, तो यहाँ कितने आएंगे, 6 आएंगे, तो हमें पता लग गया 4x 5 7 3, तो यहाँ मेरे कितने 6 आएंगे। अब हमें मेरा वाई का मान आ चुका है, मेरा वाई का मान कितना आ गया है, 6 आ गया है। अब हमें निकालना है एक्स का मान, तो एक्स का मान कैसे निकलेगा, तो देखिए 9 से डिवाइड करना है सब अंकों को, और ये चीज देखो 3 6 3 9, ये कट गए खत्म, 7 इसको डीलते हैं, 5 4 9, ये भी खत्म हो गए, मैंने जोड़ के, आप ये चीज समझ रहे होंगे तो बहुत बढ़िया, क्योंकि आप जोड़ ले पूरा टाइम जाएगा, जो जोड़ने के बाद 9 हो रहे हैं उनको काट दो, यानी 9 के टेबल के लेवल के आ रहा है उसे हाल निपटा दो, तो मेरे पास बचा कितना, x प्लस 7। तो अब हम इसमें x का मान कितना रखें जो मेरा 9 से कट जाए, तो आप कहोगे 2 रख दें, 9 हो जाएंगे सीधे, तो x का मान मेरा कितना आ गया, 2, तो और x का मान मेरा आ गया 2, तो उसने पूछा है x प्लस वाई, तो x प्लस वाई मेरा कितना आ जाएगा, 6 प्लस 2 बराबर 8, तो ऑप्शन नंबर आपका इसमें सी हो जाएगा। ठीक है, आपको ये समझ में आ गया होगा किस तरीके से ये क्वेश्चन करना है, एक बार और देख लें किस तरीके से करना है। ठीक है, तो देखिए 4x 5 7 3 y है, तो सबसे पहले आपको ये देखिए जो जिन्होंने डिवाइडेंड बोला है ये चीज, तो ये कितने का टेबल में अलग अलग हो रहे हैं, गुणनखंड हो रहे हैं, ये चीज देखिए, तो 9 8 72 ऐसी देंगे आपको, 36 देंगे और 81 देंगे, इस तरीके के देंगे, तो आपको वो चीज देखनी होगी। ठीक, तो उसके बाद आपको डिवाइड टूल आना चाहिए। क्वेश्चन नंबर 3 था, क्वेश्चन नंबर 4 देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 4 आपके सामने ये रहा, इसको ये चीज नहीं, चलिए कोई नहीं, ये क्वेश्चन है आपको लग रहा होगा, लेकिन ये क्वेश्चन बहुत ज्यादा पेपर में कंफ्यूज करता है, इसमें कुछ नहीं, जब कभी भी इस तरीके का क्वेश्चन है इसमें कम बोला है, और आपको भिन्न 50% की पता होनी चाहिए, कितना होता है 1/2 थी, यदि ए की आय बी की आय से 50% कम है तो बी की आय ए की आय से कितना प्रतिशत अधिक है। ये देखिए आपको लग रहा होगा सरल क्वेश्चन है, लेकिन हम आपको कुछ जो कमजोर स्टूडेंट है उनके ध्यान में रखते हुए इन सवालों को लिया है, तो इसमें इंपॉर्टेंट क्या है कि ये कंफ्यूज करते हैं क्वेश्चन को, तो इसमें हम आपकी कुछ चीजें बहुत क्लियर करने, कॉन्सेप्ट क्लियर करने वाले, इसलिए क्वेश्चन लिया गया। जब कभी भी आपको इस तरीके का क्वेश्चन मिले तो आप डायरेक्ट कर लें ए अपॉन बी, और इसका कितना 50% कम कर रहे हैं तो 50 ही बचेगा, और परसेंटेज के नीचे 100 आ जाएंगे, आपको बेसिक से बता रहे, 0 0 1/2 यानी 1/2 आ गया,
ठीक है, तो ए और बी का मान हमने डायरेक्ट 50% कितना 1/2 ये कर लिया। अब उसने कहा कम, हमने तो कम कर ही लिया, लेकिन एक चीज इसमें है कि आप एक इस तरीके से करेंगे भी तो वही आ जाएगा 1/2, इसलिए इस पे कोई फर्क नहीं पड़ा। तो ए का मान मेरा 1 है, बी का मान 2 है। अब ये चीज याद रखना, जहां कितना लगाओ या कितने लगे हों, जो उसके पीछे मतलब इस तरीके से आगे बढ़ते हुए जाओ, और जहां जो मिले वो आपको नीचे रखना है। जैसे ए मिल गया तो आपको ए का मान नीचे रखना है, ए का मान मेरा 1 है। अब बी को ऊपर रख दें, बी का मान मेरा 2 है, गुणे और 100 कर देंगे। ठीक है, नहीं और एक चीज और इसमें यही इंपॉर्टेंट था जो हम थोड़ा आपको मिस कर दिया हमने, चलिए ये चीज हम आपको बताते हैं, तो आपको ध्यान रखना। कभी भी ये पेपर में यही भी लोग गड़बड़ करते हैं, क्योंकि यहाँ इन्होंने अधिक कम ज्यादा लगाया। जब कभी भी आपको पेपर में कम अधिक इस तरीके क्वेश्चन मिले तो आपको इनका अंतर करना पड़ेगा। सबसे पहले तो नीचे कौन जाएंगे, मेरे ए जाएंगे, 1 है। अब 2 में से 1 जाएगा तो मेरा कितना बचेगा, 1, तो 1 रहेगा, तो गुणा है 100। अब इस जगह अधिक की जगह कम भी हो सकता है, तब भी आपको माइनस ही करना होगा, तो मेरा कितना है, 1 से 1 ये कैंसिल, कोई मतलब नहीं, तो ये मेरा 100 आ जाएगा, तो ऑप्शन नंबर आपका दूसरा हो जाएगा। ठीक है, तो आपको ये क्वेश्चन समझ में आया होगा। जब कभी भी ऐसा लिखा हो ए का बी 5 गुना है, तो आप आंख ही मीच के इस तरीके से लिख सकते हैं, ए अपॉन बी बराबर पाई अपॉन 1। तो ये चीज आप ध्यान रखिए, ये बहुत ज्यादा आपको काम में आएंगी इन फ्यूचर। चलिए क्वेश्चन नंबर 5 देखते हैं, ये रहा क्वेश्चन नंबर 5। देखिए ये क्वेश्चन बड़ा है लेकिन है सरल। सर ये क्वेश्चन इसलिए लिया क्योंकि इस तरीके का एक और क्वेश्चन है जो बहुत ज्यादा आपको डिस्टर्ब करेगा, तो इसलिए ये क्वेश्चन को हमने लिया है। चलिए, एक पुस्तक विक्रेता ने एक पुस्तक 10% हानि पर बेची, यदि उसने वही पुस्तक 108 रुपए अधिक, देखिए हमने बताया तो वहां भी बताया यहाँ भी, जब कभी कम अधिक ज्यादा मिले या तो माइनस तो होना ही, आप ध्यान रखिए। अब कह दो, अब ये दिमाग में आता है कि ये अधिक है तो जोड़ना चाहिए। अच्छा ये बताइए, जैसे ये ए है, पहले आपको थोड़ा समझाएं इसको, ये चीज थोड़ा, चलिए कोई नहीं, रहने दें इसको, यहाँ देखते हैं। जैसे ये ए है और ये बी है, तो ये 10 है और ये 20 है, तो तुम क्या कहोगे, 10 अधिक कौन है, बी। अब तुमने कितना अधिक है, तुम कहोगे 10 अधिक है, तो तुमने कैसे पता किया, तुमने माइनस ही तो किया, तभी तो पता लगा भाई। तो इसी चीज, यही चीज इसमें होती है, जब कभी अधिक लिखे तो ज्यादातर माइनस ही करना है। अब बात करते हैं, जब कभी प्रॉफिट एंड लॉस में इस तरीके का क्वेश्चन आएगा, तो देखिए यहाँ एक बार हानि दी गई है और एक बार लाभ दिया गया है। जब इस तरीके के क्वेश्चन होते हैं तो जुड़ते हैं, यानी प्रॉफिट प्लस लॉस होगा। ठीक है, लॉस है, 2 बार लॉस है तो माइनस कर देना, लॉस प्लस प्रॉफिट होगा, और प्रॉफिट प्रॉफिट है तो माइनस कर देना। तो यहाँ क्या है, प्रॉफिट प्लस लॉस यानी जुड़ जाएंगे, तो ये मेरा 20% हो जाएगा। 20% बराबर मुझे कितना दिया गया है, 108। ठीक है, एक चीज याद रखना, यहाँ से परसेंटेज आप खत्म करेंगे तो डायरेक्ट यहाँ परसेंट मतलब 100 2 0 जुड़ जाएंगे, क्योंकि वो नीचे आके ऊपर चले जाते, 0 से ये 0 कैंसिल और इससे मेरे ये कैंसिल हो जाएंगे, तो ये मेरे 5 4 0, तो 540 आ गया। ठीक है, तो ऑप्शन नंबर आपका कौन हो जाएगा, ऑप्शन नंबर आपका बी हो जाएगा। लेकिन ये क्वेश्चन तो सरल था, लेकिन इससे सेम इसी रिलेट करता हुआ क्वेश्चन ज्यादा पूछा जाता है, तो उस क्वेश्चन को लगाते हैं। तो इस क्वेश्चन को आप लगाइए और बताइए इसका उत्तर क्या है। क्वेश्चन नंबर आपका ये रहा, ठीक है, क्वेश्चन नंबर 6, चलिए यहीं रहते हैं। एक वस्तु को 20% के लाभ पर बेचा बेचता है, यदि उसे 20% कम पर खरीदा और 5 रुपए कम पर बेची होती तो उसे 25% का लाभ होता है, वस्तु का क्रय मूल्य क्या। देखो सेम उसी तरीके क्वेश्चन है लेकिन पूरा कॉन्सेप्ट ही बदल गया। जब इस तरीके क्वेश्चन आए आप ध्यान रखिए, ये इस पे ध्यान ना दें आप। एक वस्तु को 20% के लाभ पर, यानी कोई वस्तु 100 रुपए की है, ठीक है, उसने 120 रुपए की बेच दी, ये चीज आप ध्यान रखना। फिर उसने क्या क्या, यदि उसने वह 20% कम पर, यानी 100 रुपए 20% कम पर बेची तो कितने बेची, 80% कम पर खरीदी तो 5% कम पर बेची होती, ठीक है, तो उसने 25% का प्रॉफिट इस पे कमाया, इस पे तो 80 का 25% निकालेंगे तो कितना हो जाएगा, ये इधर इस तरीके से स्क्रॉल करके आ जाएगा, तो ये मेरा 125/100 जाएंगे, 25 5 125, 25 24 100, और 4 2 8 2, तो 5 2 10, तो ये मेरा कितना आ गया, 100। अब यहाँ आपको अंतर वही चीज करनी है, यहाँ कितने का अंतर है, यहाँ है 20 का अंतर, ठीक है, तो ये मेरा 20, और ये 20 किसके बराबर है, 5 के बराबर है।
तो यहाँ परसेंटेज और लगेगा, ये चीज आप ध्यान रखिएगा, ठीक है। तो 20% बराबर मेरा दिया है 5, तो यहाँ से परसेंटेज खत्म होगा, तो यहाँ कितने हो जाएंगे 500, तो एक जीरो से ये जीरो खत्म, और इससे ये मेरा क्या हो जाएगी, आ जाएंगे मेरे 25। तो देखिए कहीं ऑप्शन में 25 है, ऑप्शन नंबर आपका पहला हो जाएगा। तो आपको ये 6 क्वेश्चन कैसे लगे जरूर बताइएगा। आज ये पहला मॉक टेस्ट था, इसमें सिर्फ आपने आपको 6 ही क्वेश्चन कराए हैं। अब धीरे धीरे आपके क्वेश्चन भी बढ़ेंगे, क्वेश्चन का लेवल भी बढ़ेगा, और ऐसे क्वेश्चन लाएंगे जो आपको लगे हाँ ये क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है और आपके यूपी पुलिस में आने लायक है। तो आज का वीडियो आपको कैसा लगा जरूर बताइएगा। अब आपको रेगुलर वीडियो देखने को मिलेंगे, 1-2 दिन में हम आपको टाइमिंग भी बता देंगे कितने बजे मॉक टेस्ट मैथ का आए, ठीक है। तो चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो एक बार सब्सक्राइब कर लेना भाई, रिवर अकेडमी को बात करते हैं। इतने दिन से वीडियो क्यों नहीं आ पा, थोड़ी प्रॉब्लम हो गई थी क्योंकि जो सेटलमेंट था वो चीज़ हो नहीं पा रही थी। जो मोबाइल से जब पढ़ाते थे तो उसमें से सही मैसेज आते थे, सर इसमें सही से दिखता नहीं, तो मैंने उसके लिए थोड़ा इंतजाम किया, लैपटॉप टॉप लिए, तो वो चीज़ है। तो अब आपको रेगुलर वीडियो इस पर देखने को मिलेंगे। तो आपको ये वीडियो कैसा लगा जरूर बताइएगा, ठीक है। और आपको ये मॉक टेस्ट कैसा लगा, किस लेवल का रहा ये जरूर बताइए, आपने इसमें कितने से कितने कर पाए।